वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज रमज़ान का 12वां दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे महके में और सैटरडे भी है। तो मम्मी ने मुझे बुलाया था इफ्तार पार्टी पे महके में, तो ये उन्होंने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी जब मैं वहाँ पहुँची। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मेरे लिए लायक कोई काम नहीं था। और तो सैटरडे के दिन तो वैसे भी छुट्टी रहती है मेरे, कोई मतलब कुकिंग में तो मेरा कोई मतलब बिल्कुल छुट्टी रहती है, तो मुझे तो कुछ बनाना रहता नहीं है। तो खैर ये सब प्रिपरेशन वहाँ चल रही थी, ये बर्तन वगैरह आके रख दिए गए थे, और ताहा और बच्चे लोग बहुत मज़े मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। रैयान भी खेल रहा था, आरिस तो बैठे हुए गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, और ताहा को देख सकते हैं आप सब लोग कि ताहा कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12वां रोज़ा भी आज मुकम्मल हो गया है। आप लोगों का कैसा गुज़रा? हमारा तो बहुत 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 ही अच्छा गुज़रा। और ये स्वीट डिश बनाई थी मम्मी ने, बहुत ही यमी डिज़र्ट था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इसमें क्रीमी था, बहुत ही अच्छा था, स्वीट डिश थी और कुनाफा। तो ये और सारी चीज़ें हम लोगों ने टेबल पे लगा दी थी, ये समोसे, ये बैगनी और ये फरमोजे, ये सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कब वक्त, और ये सैंडविचेस भी मम्मी ने कहा कि ये टेबल पे रख दो और अच्छे से टेबल को मतलब लाइन से लगा दो सारी चीज़ें। मम्मी बोल रही थी बार बार कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में रखो, अच्छे से रखो, ताकि दिखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। और मतलब मम्मी के दामाद जो आ रहे थे, तो मम्मी ने सोचा कि सब अच्छे से रखा जाए और सब चीज़ें प्रॉपर वे में रखी जाए तो अच्छा लगेगा। और भाभी भी हमारी बहुत मेहनत कर रही थी और सब काम में लगी हुई थी, सारा कुछ भाभी लोगों ने ही बनाया था, मम्मी ने हेल्प करी थी और भाभी लोगों ने ही सारा ये सब कुछ बनाया था। इतनी मेहनत करी हुई थी, सुबह से उठ के ये सारी अफ्तारी बनाना, इट्स नॉट एन ईजी, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और हम लोग ना, ये देखिए ये शोरबा है, यमी, देखिए हॉट सा। तो बस हम लोग भी वेट कर रहे थे कि कब अजान हो और कब हम लोग रोज़ा इफ्तार करें, और देखिए कैसे लड़ रहे हैं ये रैयान और सुल्तान लोग, इन लोगों से वेट नहीं हो रहा। लेकिन माशाल्लाह से इन लोग सबरदार बच्चे हैं, सबर करके बैठे हुए हैं, कुछ भी चीज़ें इधर की उधर नहीं कर रहे थे। और गाइस देखो इतनी अच्छी अच्छी इफ्तारी माशाल्लाह से रमज़ान में खाने को मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं ये इफ्तार करती हूँ तो सबसे पहले दुआ करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं करी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था कि वीडियो के चक्कर में मैंने दुआ नहीं करी फ़िलिस्तीन के लिए, कि वहाँ पर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है वो खाने को वहाँ नसीब नहीं हो रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को यहाँ पर इतना कुछ खाने को मिलता है और फिर भी हम लोग नाशुक्र बना करते हैं और कहते हैं कि इसमें नमक नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ये ऐसा बना है, वो वैसा बना है। ये तो खैर हम लोगों की फितरत ही है, इंसान की, हर इंसान की फितरत है नुक्स निकालना, लेकिन बहुत ही नहीं निकालना चाहिए हम लोगों को। देखिए 6 बज गए हैं और हम लोग बस अजान का वेट करते, शरद भी अभी नहीं आए हुए थे, तो हम लोग शरद को मैंने कॉल किया कि आ जाइए और टाइम भी हो रहा है। तो हाँ मैं कहाँ थी कि मैं कह रही थी आप लोगों से कि रिक्वेस्ट है सबसे कि यार इतनी मेहनत से सब लोग इफ्तारी बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो नुक्स वगैरह ना निकाला करें। और ताहा देखिए कैसे रेडी हो के अपने फोक पकड़ के तैयार है कि बस लेकिन ये इन्होंने ज़्यादा खाना नहीं खाया था, बाद में खाया था इफ्तार के टाइम, तो ताहा ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था और हम बार बार उसको खिला रहे थे लेकिन तब भी खा नहीं रहा था। खैर बस ताहा के पापा बस आने ही वाले थे और हम लोग वेट कर रहे थे उनका। और बैगनी वगैरह देखिए किस तरीके से सज गई है, दही वगैरह लग गया है उसके अंदर, और सब लोग बस बैठे हुए वेट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कोई कहीं भेजने के लिए, और मैंने भी ब्लॉग फिर शूट कर लिया था आप सब के लिए। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आए, और आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और मेरी इस व्लॉग को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर भी करिए।
तो खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो जीजू नहीं आए थे, जीजू का भी मिस करा मैंने, जीजू को मिस किया. और ये सारी इफ्तारी हमने प्लेट में पहले से निकाल के रख ली थी, खजूर भी रखी हुई है देखिए साइड में. और बस रोज़ा इफ्तार खुल गया, रोज़ा इफ्तार हो चुका था और खाना स्टार्ट कर दिया था. ये था शरद भी आ गए थे. बस फिर रोज़ा इफ्तार करने के बाद सब लोग ऐसे ही इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और अच्छा सा फील हो रहा था. तो इस बीच में चाय बन रही थी और चाय देख सकते हैं कितनी सारी है. और सब लोग चाय का टाइम हो गया था करीब ईशा के बाद, और ईशा के अजान के बाद ये चाय बन रही है. भाभी ने बनाई थी, मैंने कुछ नहीं किया. और आज सैटरडे के दिन तो बस छुट्टी हो जाती है, कुछ करने को नहीं रहता है और बस मज़ा आ जाता है. और ये कुछ बचा हुआ अफ्तारी वगैरह थी और चाय आ चुकी थी, देख सकते हैं आप सब लोग. टी टाइम रमज़ान में टी टाइम जो है लेट हो जाता है, 9-10 बजे तक हो जाता है. तो ये सुल्तान बैठ के अपनी चाय वगैरह ले रहे हैं और अच्छा सा महसूस हो रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. और फिर बस टी टाइम होने के बाद ये हम लोगों ने डिनर किया. डिनर में ये लहमबंदी थी और बहुत ही यम्मी, और ये सारी दही और चटनी जलाता. हस्बैंड मेरे आ गए थे डिनर करने के लिए, तो हम लोगों ने खूब जम कर खाया. और अल्लाह रमज़ान में खाना खा रहे ऐसे वेट हो रहा है ज़्यादा, मतलब वेट पुट ऑन हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें खा खा के. लेकिन बस अल्लाह बहुत सोचते हैं कि वेट कैसे कम होगा. खैर, आप लोग का भी क्या यही हाल है या मेरा. फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ये डेज़र्ट मिठाई खाई हम लोगों ने. और ये ताहा जो है अपने मामू के साथ खेल रहे हैं. और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पारा पढ़ा, क्योंकि मेरा थोड़ा पारा इनकम्प्लीट रह गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर घर चलते हैं. तो मैंने ये नवा पारा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा पढ़ लिया था. फिर बस घर आ गए थे. घर आते वक्त इतनी अच्छी सजावट थी जिसका मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन अब ताहा को सुलाने के बाद मैंने कहा चलते हैं, बस थोड़ा सा व्लॉग किया. और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड. आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और इसको ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. देखिए ताहा को कैसे सो रहा है. और चलते हैं, बाय बाय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे. अल्लाह हाफिज़, शो सम लव एंड योर सपोर्ट. बाय बाय.